वो हमारी हमारे फिल्म के अंदर एक फिल्म है वो है मिसलापुर। सीगरेट का जो वर्ल्ड था उस वक्त पे जब फिल्में बनती थी सीगरेट की, उसके ऊपर है। और इसमें मैं जो प्ले कर रहा हूँ सोनू दुग्गल नाम है और विक्की दुग्गल बड़ा भाई है जो सीगरेट फिल्में बनाते हैं। और एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस आती है और उसको लेके हम फिर अपने अपने फिल्म में सोचते हैं कि इसको लेके क्या फिल्म बनाएं। जैसे बड़ा भाई है वो कुछ और फिल्म बनाना चाह रहा है इनके साथ और मैं कुछ और। फाइनली मैं डिसाइड करता हूँ एक फिल्म बनाएंगे, मिस लवली नाम होगा उसका जो अभी इन्होंने भी बताया। तो फिर आगे फिल्म क्या क्या कैरेक्टर होते हैं उसके ऊपर जो स्टोरी है ना वो कुछ रियल उस पर आधारित है इंसिडेंट पे। उस वक्त पे एक बहुत बड़ी कोई घटना हुई थी जो सीगरेट फिल्म मेकर्स जो सीगरेट के जो फिल्म मेकर्स थे उनके बीच में। तो उस वक्त पे जो पूरा तहलका मच गया था कि क्या हो रहा है इस तरह की वो चीज़, वो इंसिडेंट तो मैं बता नहीं सकता अभी, लेकिन उसी की वजह से कहा जा रहा है कि बॉम्बे इन ओल्ड डेज बैड डेज। तो हम एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। हम पहली बार जब सेट पे मिले तो आई एम श्योर ये भी दिमाग में सोच रही होंगे कौन है, कोई मॉडल टाइप है, इसको एक्टिंग आती भी है कि नहीं। एंड आई एम श्योर मैं भी सोच रही हूँ ये कौन है, पहले तो कभी देखा नहीं, आई एम श्योर इसको, आई होप इसको एक्टिंग आती हो। तो हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल जानते नहीं थे, लेकिन काम करते करते फिर जैसा कि आपने बोला कि इंडस्ट्री में किस नाम से जाना चाहते हैं, सी इंडस्ट्री में जो भी आप नाम डालेंगे या फिर वो जो लोग आपकी इमेज बनाते हैं तो वो बहुत ही फ्लक्चुएट करती है आपके काम की वजह से। लेकिन जब शुरुआत में आप जब जिन लोग को जानते हो उनके साथ काम करते हो और उनके काम की वजह से आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, उनको उनको जो आप चाहते हो वो रियल रिस्पेक्ट होती है। सो मेरा जो एसोसिएशन विद नवाज़ है वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो आज एक बहुत बड़े एक्टर हैं, वो इसलिए है क्योंकि मैं उनको तब से जानती हूँ जब वो बड़े एक्टर नहीं थे। और मेरा जो इनके लिए रिस्पेक्ट है वो तब से है और इसलिए आज उनका जो नाम है मैं उसके लिए सिर्फ हैप्पी और प्राउड नहीं हूँ मैं। मुझे शायद ये बात तब पता थी जब इनके साथ काम कर रही थी कि ये कितने टैलेंटेड हैं। कौशिक कंटिन्यूसली फाइट करता रहा सेंसर से और एंड ऑफ द डे थैंक गॉड हमारी फिल्म को बहुत ही माइनर कट में उन्होंने पास किया। देखिए प्रमोशन की स्ट्रेटेजी क्या है वो तो हमारे डायरेक्टर और जो टीम है वो बताएंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि लाइक जैसे आपने बताया कि इंटरनेशनली हमारी फिल्म बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम्ड हुई और बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी दिए गए हैं इस फिल्म को। और ये पहली फिल्म थी कान में मिस लवली और गैंग्स ऑफ वासेपुर जिन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था, जिसकी वजह से बाकी जो फिल्में गई उसके बाद जो फिल्में गई उन लोगों ने हाथों हाथ लिया और देखना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे लंच बॉक्स है, मानसून शूट आउट है, बॉम्बे टॉकीज जब गई थी कान में, जस्ट बिकॉज ऑफ इन फिल्मों की वजह से, मिस लवली और गैंग्स ऑफ वासेपुर की वजह से लोगों हमारी फिल्मों को सीरियसली कान फिल्म फेस्टिवल में देखना शुरू किया। तो शुरुआत जब इन फिल्मों ने की थी वो, तो वर्ल्ड वाइड इतना सारा एक्लेम मिला है। मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं कि हमारी कंट्री में इसका क्या रिएक्शन आएगा क्योंकि प्रमोशन हम उस लेवल पर कर भी नहीं रहे हैं और ना उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। हम एक सर्टन जो क्लास कहा जाता है, जैसे आप हम लोग कहते हैं एक सर्टेन काइंड ऑफ ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं,